हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दक्षु टेक्नो टिप्स पर। आज का हमारा वीडियो है इलेक्ट्रिक नेलर मशीन पर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं नेल गन। ये मशीन प्लाई और लकड़ी में कीले लगाने काम में आती है। इस मशीन से जुड़ी मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही मशीनों टूल्स के वीडियो आप लोगों तक पहुँचाते रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो कुछ इस तरह के बॉक्स में आपको मिल जाती है ये नेल गन मशीन। ये मशीन है पंपकिन कंपनी की और इसका मॉडल नंबर है 50170। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या आता है बॉक्स के साथ में। तो कुछ इस तरह के केस में हमको मिल जाती है पंपकिन की नेल गन। यदि मैं केस की क्वालिटी की बात करूं तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का केस है। सबसे पहले यहां पे आपको मिल जाता है यूजर मैनुअल। इसमें बिल्कुल डिटेल में समझाया गया है कि मशीन को कैसे यूज करते हैं। इसको हम रख देते हैं साइड में। फिर यहां पर आपको मिल जाता है वारंटी कार्ड। इसके अंदर मिलती है आपको पूरे एक साल की वारंटी। फिर आपको यहां पर मिल जाती है नेल्स। इसके अंदर आपको मिल जाती है पूरी 1000 कीले। जब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा तब बताऊंगा कि इसको मैगजीन में कैसे लोड करते हैं। और फिर यह है फाइनली हमारी नेल गन। अब हम देख लेते हैं इस मशीन के फीचर्स और बाद में हम लेंगे इसका डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन। सबसे पहले यहां पे आपको मिल जाता है लीवर। यदि आप इसको ऊपर से पुश करेंगे तब फिर आप इस स्लाइडर को बाहर निकाल सकते हैं। स्लाइडर को अंदर फिट करने के लिए जस्ट आप इसको पुश फिट कर दीजिए। इसके बाद में ये जो आपको खाली पोर्शन दिख रहा है यहां पर, इसको बोलते हैं हम मैगजीन। यहां पर हम अपनी नेल्स को लोड करते हैं। इसको बोलते हैं ट्रैकर हेड। यहां से हमारी कील बाहर निकलती है। फिर इस नेल गन के अंदर यहां पर आपको मिल जाता है रबर का प्रोटेक्टिव कवर। जरा पहले मैं उसको बाहर निकाल लेता हूं। ये जो आपको बाहर निकला हुआ पोर्शन दिख रहा है ये है इसका लॉक और अनलॉक का ऑप्शन। जब ये बाहर रहेगा तो आपकी मशीन लॉक रहेगी और ये ऑन नहीं होगी। जैसे ही ये अंदर जाएगा तभी आपकी मशीन ऑन होगी। अभी मैं मशीन का ट्रिगर दबा रहा हूं मगर मेरी मशीन नहीं चल रही है। फिर जो मैंने आपको बताया था ये जो पत्ती है ये देखिए, जैसे ही ये अंदर जाएगी तब मशीन ऑन होगी। बेसिकली ये बहुत अच्छा एक सेफ्टी फीचर है। फिर यहां पर आपको मिल जाता है एक सॉफ्ट ग्रिप हैंडल और ये देके रखा है इसका ट्रिगर। फिर यहां पर आपको मिल जाता है इंपैक्ट कंट्रोल एडजस्टमेंट नॉब। जैसी आप लकड़ी यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको इस नॉब को एडजस्ट करना पड़ता है। जब आप पाइन वुड या फिर प्लाईवुड पे काम करें तब आप इसको लो पे रखिए, जब आप सॉलिड वुड पे काम करें तब फिर आप इसको मीडियम पे कर दीजिए, और यदि आप बीच वुड या फिर ओक पे काम करें तब फिर आप इस नॉब को कर दीजिए हाई पर। मगर यहां पर मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप इसको हमेशा मीडियम पर रख के ही काम करिए, आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद पीछे की तरफ मिल जाता है ऑन ऑफ स्विच। फिर आपको यहां पर मिल जाता है एक बहुत अच्छी क्वालिटी का वायर जिसकी लेंथ है 2 मीटर। इस मशीन के अंदर आप 15 mm से लेकर 32 mm तक की नेल्स लोड कर सकते हैं। यहां पर मेरे पास 3 साइज की नेल्स है, 20 mm, 25 mm और 32 mm। एक बार में आप इस मैगजीन के अंदर पूरी 100 कीले लोड कर सकते हैं। ये जो आपके नेल्स हैं इसको आप बिल्कुल नीचे रखिए, कहीं आपको ऊपर नहीं रखना है। नीचे रख के आप इसको आगे की तरफ लगाते जाइए, जितनी भी आपको लगाना है। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके अंदर आप 100 किले तक लोड कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको लोड कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक और लोड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इतनी लोड कर दी। अब जब आप इसको पुश करेंगे तो यहाँ पर अटक जाएगा। ये जो नीचे वाली आपको पत्ती दिख रही है ये यहाँ किलो में अटक जाएगी। ये देखिए एक बार और दिखाता हूँ, ये यहाँ पे अटकेगी। फिर आपको थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ेगा अपने हाथ पे। इतना भी प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा मगर हाँ प्रेशर लगाना पड़ेगा, उसके बाद फिर ये लॉक होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 20 mm की कीले और 8 mm की प्लाई। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप इस मशीन को चलाएं ऊपर आपका हाथ होना जरूरी है। अभी देखिए मैं बिना हाथ के चला रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं प्रॉपरली मेरी कीले अच्छे से लगी नहीं है। रीजन ये है कि जब आप मशीन चलाएंगे तब आप ऊपर हाथ जरूर रखेंगे। अब मैं यहाँ पे मशीन रखता हूँ और ऊपर हाथ से प्रेशर दूंगा। अब आप देखिए मेरी कील बिल्कुल एग्जैक्ट लगी है।
ये जो आपको उठी हुई कीलें दिख रही हैं, ये वो है जब हमने मशीन के ऊपर हाथ नहीं रखा था, और ये जो आप कीलें देख रहे हैं जो बिल्कुल प्रॉपर लगी हैं, इसमें हमने मशीन के ऊपर हाथ रखा था। अब मैं इसमें लगाता हूँ 25 mm की कीलें, फिर हम उसका डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे। तो अब हम इस मशीन में लोड कर लेते हैं 32 mm की नील्स। यहां पर मैंने लेके रखी है 19 mm की प्लाई। चलिए अब हम जरा इसमें नील लगाते हैं। इस मशीन से कीले लगाने में ऐसा लगता है कि मानो कीले लगाना एकदम बिल्कुल बच्चों का काम हो। चलिए जरा मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से दिखाता हूँ कि हमारी नेल्स कैसी लगी हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी प्रॉपरली नेल्स लगी हैं। ये तो जरा मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा नेल्स लगाई है और आड़ी तीड़ी लगाई हैं। यदि आप इसको प्रॉपर वे में लगाएंगे तो बहुत अच्छी नेल्स लगेंगी। तो अभी तक हमने इस मशीन से प्लाई के ऊपर नेल्स लगाई है, जरा अब हम इस मशीन से लकड़ी के ऊपर भी नेल्स लगा के देख लेते हैं। गाइस बहुत ज़्यादा शानदार रिजल्ट है, इतने अच्छे से कील लग रही हैं जैसे बिल्कुल मक्खन की तरह, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लकड़ी के अंदर कील लगाने का फोर्स इतना ज़्यादा है कि लकड़ी बिल्कुल भी नहीं फटती है। नहीं तो जब बिगनर्स कील लगाते हैं तो पहले तो लकड़ी फटती है या फिर उनके हाथ में चोट लग जाती है। इस मशीन से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इतनी सारी कीलें लगाई है, बहुत अच्छे से कीलें लगती हैं। और मैं आपको बाहर की भी फिनिशिंग दिखाता हूँ। जो मैं आपको हेड बोल रहा था वो बाहर नहीं दिखते हैं। और इससे यदि आप लकड़ी में काम करते हैं तो दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो आपका काम बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, बहुत फिनिशिंग के साथ में होता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि हो सकता है कभी कभार आप काम कर रहे हो और इस जगह आपकी कील अटक जाए, तो उस कील को कैसे निकालते हैं ये मैं जरा आपको बता देता हूँ। तो कील निकालने के लिए सबसे पहले ये जो रबड़ का कवर है इसको आप निकाल दीजिए, बेसिकली प्रोटेक्टिव कवर। तो इसको आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई यूज़ नहीं है इसका, ये सिर्फ जस्ट इससे लुक अच्छा लगता है, इसके लिए होता है ये। तो इसको पहले आपको निकाल देना है। कवर निकालने के बाद आप ये मेक श्योर कर लीजिए कि हमारी मैगजीन में कोई नेल्स लोड है कि नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं, इसके अंदर नेल्स ऑलरेडी लोड हैं। तो पहले जरा हम इसको निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो आपको दो नट दिख रहे हैं उसको हम खोल लेंगे। इसको आप हैक्स की मदद से खोल सकते हैं। दोनों नट खोलने के बाद यहाँ पर फिर आपको दो पत्तियाँ मिल जाती हैं। एक तो है पहले ये ऊपर वाली, इसको हम निकाल लेंगे, और फिर एक आपको मिलेगी अंदर। इन दोनों को निकालने के बाद यहाँ पे आपकी जो भी कोई कील अटकी होगी उसको आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये जो है लॉकिंग सिस्टम है, इसको हमें टच नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे जो अटकी हुई कीलें हैं उनको फिर हम बाहर निकाल लेंगे। चलिए वापस से जरा मैं इसको फिट कर देता हूँ। तो इस प्रकार से आप इसके अंदर जो कील अटक जाती है उसको आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, ये मशीन बहुत ज़्यादा बढ़िया है और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक दो चीज़ें मुझे इसमें अच्छी लगी। पहली बात कि ये मशीन प्रोफेशनल लोगों के लिए तो है ही अच्छी, बट बिगनर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, जो लोग DIY वर्क करते हैं या फिर जो वुड वर्किंग का काम करते हैं। और दूसरी बात, इस मशीन से काम बहुत जल्दी होता है बिल्कुल चुटकी बजाते ही। ये मशीन बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, आप इसको ले सकते हैं। इस मशीन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, आप चाहें तो वहां से भी जाके इसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।